स्वाभाविक होने वाला। सारे बिहार के लोग जाग चुके हैं। चुनाव चिन्ह है बीजेपी और जेडीयू। साफ तौर पर बिहार में अब यही दो पार्टियां एनडीए का हिस्सा है। हम लोगों के मन में कोई कंफ्यूजन या किसी प्रकार की गलतफहमी नहीं। चेहरा बदल जाएगा 11 नवंबर को। बिहार में चुनाव है, चुनाव में नीतीश है। लालू जी के बेटे हैं, बेटियां हैं, भाषण है, जाति है, बाढ़ है, करप्शन है और हर चौक चौराहे पर राजनीतिक चर्चा है। जब बाढ़ की बात आती है, जब इनकी बुखार की बात आती है, तब आप भाजपा ही फिर जीतेगा। 15 साल पहले बिहार में सड़क था क्या? जब तक करप्शन खत्म नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन क्या यही बिहार है? आज जो बिहार है, क्या उसके पीछे भी कोई बिहार है दुनिया से छुपा हुआ? आज से बहुत पहले का बिहार, उस प्राचीन बिहार ने दुनिया को क्या दिया है? आज से एक नहीं, दो नहीं, 2500 साल पहले के बिहार में जो कुछ हुआ उसकी गूंज सिर्फ भारत में नहीं, चीन, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, जापान, मलेशिया, सिंगापुर जैसे देशों में आज भी सुनाई देती है। ज्ञान की वही गूंज जिसने एक राजकुमार को बुद्ध यानी ज्ञानी जागृत बना दिया, जिसने एक महान राजा अशोक को दुनिया में सबसे पहले अहिंसा और प्रेम के बल पर विजय हासिल करने का रास्ता दे दिया। इसमें बिहार की धरती की क्या भूमिका थी, ये हम आपको जल्द बताएंगे। फिलहाल चलते हैं उस गूंज, उस नाद को सुनने आज से 2500 साल पहले। तब उत्तरी भारत में 16 बड़े जनपद और कुछ गण थे। गण यानी छोटे राज्य। इन सब में सबसे बड़ा जनपद मगध था। मगध के उत्तर में शाक्य गण था जो अब नेपाल की राजनीतिक सीमा में है। यहीं सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ। बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ और उनके पिता सुदोधन शाक्य गण के राजा थे। आरंभ में सिद्धार्थ का बचपन एक राजकुमार के समान व्यतीत हुआ। सारी सुख सुविधाएं उनको प्रदान की गईं, लेकिन उनका सांसारिक सुखों में मन नहीं लगता था। उनके पिता ने उनको सांसारिक सुख में लगाए रखने के लिए यशोधरा नामक सुंदरी से उनका विवाह भी करवा दिया, जिससे उनको राहुल नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई, लेकिन इससे भी उनको चैन नहीं मिला। एक रात को वो पत्नी और पुत्र को सोए हुए घर द्वार छोड़ करके निकल पड़े। इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। घर त्याग कर सिद्धार्थ कहाँ पहुंचे? तब के मगध, आज के बिहार। सिद्धार्थ गुरु ढूंढ रहे थे जो उन्हें मुक्ति का रास्ता दिखा सके। सिद्धार्थ गुरु की तलाश में आज के बिहार में पटना से कुछ 70 किलोमीटर दूर राजगृह पहुंचे। उस समय राजगृह मगध की राजधानी थी। उस समय मगध में बिंबिसार का साम्राज्य था। कुछ योगी उन्हें सन्यासी अलार कलाम के पास ले गए। यहां बुद्ध को संतुष्टि नहीं मिली। इसी बिहार में सिद्धार्थ गौतम ने 6 साल तक योग और अनशन की भीषण तपस्या की। तपस्या में लीन सिद्धार्थ काफी कमजोर पड़ गए और मृत्यु के करीब जा पहुंचे। सिद्धार्थ गौतम बिहार की धरती पर ज्ञान की खोज कर रहे थे। उन्होंने घोर तपस्या की, हठ योग में लगे रहे, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। आखिरकार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कैसे हो सकते हैं? एक आम व्यक्ति जीवन और मृत्यु के चक्र से कैसे निकल सकता है?
इसका रास्ता बिहार के महायोगी और गुरुओं ने नहीं बल्कि आम व्यक्ति ने उन्हें दिखाया। भटकते हुए सिद्धार्थ ने एक वीणा बजाने वाले को देखा और पाया कि अगर वो वीणा के तार ज्यादा कसे तो तार टूट जाते हैं और तार बहुत ढीले हों तो भी संगीत नहीं सुना जा सकता है। ये ज्ञान प्राप्ति के लिए बीच के रास्ते की ओर इशारा था। सिद्धार्थ ने यही रास्ता अपनाया। इसे मध्यम निकाय यानी बीच का रास्ता कहा गया। वहां से वो गया के पास उरुवेला नामक जगह में पहुंचे और वहां एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करने लगे। उसी तपस्या के दौरान उन्हें बैसाखी पूर्णिमा के दिन सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसको संबोधि कहा जाता है, और बाद में वो बुद्ध के नाम से जाने गए। सिद्धार्थ गौतम मध्यम मार्ग के सहारे बुद्ध हुए और वो जगह जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वो आज बिहार का बोधगया है। महात्मा गौतम बुद्ध ने समाज में सत्य, अहिंसा और बराबरी की बात कही और आज से 2500 साल पहले जाति प्रथा का विरोध किया। महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को धार्मिक जीवन में एक भूमिका निभाने का अवसर दिया। आम्रपाली की घटना सभी लोग जानते हैं, कैसे उसने दीक्षा ली और फिर वो उनकी शिष्या बन गई। तो उस समय में अगर आप देखेंगे तो महिलाओं के लिए धर्म के मामले में इस तरह का खुलापन नहीं था, ये ओपननेस नहीं था। तो आज फिर हम लोग बात करते हैं महिलाओं के उद्धार की, नारी सशक्तिकरण की, लेकिन उसका पहला उदाहरण हमें कहाँ मिलता है? तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व को निश्चित रूप से एक अलग स्तर पर, एक अलग पेडेस्टल पर खड़ा कर देती हैं। ये विचार कितने क्रांतिकारी थे इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो आज भी प्रासंगिक है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग से मगध पर वैचारिक विजय पाने का काम किया। महात्मा बुद्ध ने परिनिर्वाण से पहले कहा था, आत्मदीप भव यानी अपनी रोशनी खुद बनो। आज से करीब 2500 साल पहले बिहार की धरती से महात्मा बुद्ध ने जो कुछ पाया वो पूरी दुनिया में फैला। ये बिहार की असल विरासत है, ये वो धरोहर है जिसे सालों से नज़रअंदाज किया जाता रहा है। आप उस दौर की कल्पना कीजिए जब वैदिक धर्म के विचार, बुद्ध का दर्शन, जैन धर्म के उपदेश सिर्फ मगध ही नहीं पूरी मानवता को झकझोर रहे थे। बुद्ध के समय में ही बिहार की धरती से एक बहुत बड़े विचार ने जन्म लिया। इस विचार को समझने के लिए हम लोग महावीर स्वामी की जन्मस्थली की ओर रवाना हुए। ये बिहार के नालंदा का कुंडलपुर गांव है। गांव के द्वार पर ही महावीर स्वामी की मूर्ति है। गांव में दाखिल होने के बाद दूर से ही महावीर स्वामी का मंदिर दिखाई देता है। इसी गांव में जैन धर्म के आखिरी तीर्थंकर महावीर स्वामी ने जन्म लिया। महावीर स्वामी ही जैन धर्म के प्रवर्तक हैं। 30 साल की उम्र में महावीर स्वामी ने घर त्याग दिया और 12 साल तक कठोर तपस्या की। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी जैन धर्म के आखिरी तीर्थंकर थे। आज से करीब 2500 साल पहले महावीर स्वामी ने मगध की इस धरती पर कुंडलपुर नगरी में महात्मा बुद्ध के कालीन थे। स्वामी ने इस दुनिया को 5 उपदेश दिए। चोरी ना करें, सत्य बोलें, हिंसा ना करें, ब्रह्मचार्य का पालन करें और 5वां उपदेश अपरिग्रह यानी जितनी ज़रूरत है उतने में अपने जीवन को यापन करें, अपने जीवन को चलाएं। महावीर स्वामी के इन उपदेशों के साथ साथ उन्होंने महात्मा बुद्ध की तरह दुख को खत्म करने के उपाय भी बताए। जैसे महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग बताया, वहीं महावीर स्वामी ने मुक्ति के लिए कठिन मार्ग को चुना, ऐसा मार्ग जिसे आम व्यक्ति के लिए पालन करना आसान नहीं था।
बुद्ध की शिक्षाएं उदार थी, महावीर की कठोर थी। तपस्या पर अधिक बल दिया गया, सभी के लिए पालन करना सरल नहीं था। आप चलते हैं तो पैर के नीचे चींटी ना पड़ जाए, धूप में खड़े होकर बाल नाखून उखाड़िए, ये आम मनुष्य के लिए आसान नहीं था। दूसरी तरफ महावीर स्वामी ने सभी जीवों के कल्याण, दया और अहिंसा पर जोर दिया। महावीर स्वामी ने कहा कि चींटी और हाथी में प्राण बराबर होते हैं। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है, बुद्ध व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व सिद्धार्थ थे, तो बुद्धत्व की प्राप्ति उन्होंने की तब वो बुद्ध हो गए, मतलब निर्वाण की प्राप्ति की। ठीक है, महावीर भी हर कोई हो सकता है, वह भी व्यक्ति नहीं है, व्यक्तित्व है। इसी तरह के व्यक्तित्व की झलक पटना में मिलती है। ना सिर्फ बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बल्कि सिख धर्म को पूरी दुनिया में प्रसारित करने का काम भी बिहार ने किया। ये पटना का श्री हरमिंदर साहब गुरुद्वारा है। यहाँ हर साल हजारों लोग दुनिया भर से मत्था टेकने आते हैं। यही वो जगह है जहाँ सिखों के आखिरी गुरु यानी 10वें गुरु गोविंद सिंह ने जन्म लिया था। बिहार परम पूजनीय धरती है, और ख़ास करके तख्त श्री हरिमंदर जी, हर सिख जिंदगी में कम से कम एक बार यहाँ पटना आने की ख्वाहिश रखता है। वो मरते दम तक सोचता है कि मैं एक दफ़ा वहाँ जाकर आऊँ जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ। करीब 500 साल पहले यह जगह सालस राय जोहरी की हवेली थी, जो बाद में चलकर गुरुद्वारा बनी। हवेली से गुरुद्वारा बनने और सालस राय का सिख धर्म का प्रचारक बनने के पीछे भी एक बेहद दिलचस्प कहानी है। जब गुरु नानक साहब आके गंगा किनारे नदी पर बैठे, ते मर्दाना कहने लगा कि मुझे भूख लगी है कुछ खाने के लिए। तो गुरु नानक साहब ने आके ऐसे बहुत से रोड़ी जैसे होती बजरी रोड़ी नहीं होती, ऐसे उठा के दे दी। गुरु साहब के हाथ लगने से वो हीरा बन गई। फिर सालसराय जौहरी जो था यहाँ का, उसका सबसे बड़ा जौहरी, उसको ले गया दरक्का, उसके पास ले गया और उसने वो देख के उसको 100 रुपया रख के मत्था टेक के वापस कर दिया कि ये बहुत कीमती है, मैं इसको ले नहीं सकता। वो ले गया, गुरु नानक साहब कहते 100 रुपया वापस करके आओ। जब गुरु नानक साहब के पास गया जौहरी सालसराय, जाके मत्था टेके हाथ जोड़ के बैठ गया, तो उसके हृदय को ठंड पड़ गई, तसली हो गई उसकी भी ये कोई बहुत महान पैगंबर पीर आया कोई। पटना की इसी जगह पर सिख धर्म के बीज बोने वाले गुरु नानक देव जी के बाद उसे दुनिया भर में फैलाने का काम गुरु गोविंद सिंह जी ने किया। वे सिखों के आखिरी यानी 10वें गुरु कहलाए। सिख धर्म को 4 तख्त देने वाले गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म यहाँ हुआ, तो सिख धर्म को 4 तख्त देने वाला ये बिहार ही हुआ, ये मगध ही हुआ। अगर धरती के हिसाब से देखें, वैसे सतगुरु जहाँ गए दरिया जहाँ जाता हरियाली हो जाती। 5 में से 4 तख्त गुरु गोविंद सिंह ने स्थापित करने का काम किया। दूसरी तरफ हिंदुस्तान में मुगलों की सत्ता को चुनौती देने का काम भी गुरु गोविंद सिंह ने किया। मुगलों के जुल्म के खिलाफ हिंदुस्तान को एक करने का काम किया। यानी जब बदलाव की बात आती है, वैचारिक लड़ाई की बात आती है, संघर्ष की बात आती है, तब गंगा की ये धरती, मगध की ये धरती, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, गुरु गोविंद सिंह जैसे व्यक्तित्व तराशने का काम करती है। यही बिहार है, यही बिहार की असली विरासत।